वेलकम टू मैथ क्लास एनालिस्ट। क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रही हूँ। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, डिवाइड मैंने करना है 34x³ y³ g³ डिवाइडेड बाय 51xy² z³ है मेरे पास। तो क्या करूंगी मैं उसको ऊपर राइट कर लूंगी, 31x³ y³ z³ को, और जो है 51xy² z³ को मैं नीचे राइट कर देती हूँ। अब इसके जो है हमारे पास टू मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट और एक प्रॉपर सॉल्व करके। तो हम पहले जो सॉल्व करके होता है वो पहले कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट कटिंग वाला कर लेंगे। दोनों बता दूंगी, जो आपको सही लगे उसको फॉलो कर लेना। 34 के पहले फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स। अब होता है प्राइम फैक्टर्स, जब भी हम फाइंड करते हैं तो देखते हैं, जब नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है तो हमने 2 ही लेना है, हमने फिर बड़ा नंबर यहाँ पर ज्यादा नहीं लेना, ठीक है। अगर 2 से डिवाइड ना आता हो ये नंबर तो फिर देखते हैं आगे क्या लें। 2 1 टाइम 2 और 2 7 टाइम 2 कितने टाइम, 34 हो गया, 17 टाइम, और 2 के टेबल में 17 नहीं आता, 3 से किसी भी डिवाइड नहीं होता, ये 17 प्राइम नंबर है, अपने टेबल में आना है, तो 2 × 7 जो है फैक्टर्स आ गए, 2 × 17 सॉरी। फिर एक्स क्यूब है तो एक्स को मैं 3 टाइम्स राइट कर लूंगी, ये मल्टीप्लाई है जो सिंपल, और ये जो इस तरह करके वो एक्स है, ठीक है। वाई क्यूब है तो वाई को भी मैं 3 टाइम राइट कर देती हूँ, और जेड बी क्यूब है तो जेड को भी मैं 3 टाइम राइट कर देती हूँ। 51 के फैक्टर्स फाइंड कर लूंगी मैं यहाँ पर, 2 से तो होना नहीं, बिकॉज इसका लास्ट डिजिट जो है 0 1 0 2 4 या 6 या 8 में से नहीं है, लास्ट डिजिट 5 है 1 है सॉरी। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज 5 1 को ऐड करो 6 आता है, 6 divisible by 3 है, तो ये भी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, कितने टाइम 51 होता है, 17 टाइम, और 17 वन टाइम, 3 × 17 आ गए, एक्स 1 टाइम ही है, वाई 2 टाइम है, जेड 3 टाइम। इतना काम हो गया, अब आगे क्या करना है। नेक्स्ट कट कर देना, 17 17 से कट हो गया, ये एक्स इस एक्स से कैंसिल हो गया, ये वाई से, ये वाई से, ये जेड इससे, ये इससे, और ये इससे। अब हम देख लेते हैं जो हमारे पास रह गया वो क्या क्या रह गया है। 2 रह गया न्यूमरेटर में, और क्या रह गया, एक्स 2 रह गया, तो मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, एक्स पावर 1 पावर 1, एक्स 1 टाइम राइट कर लिए, पावर ऐड होकर 2 आ गई। वाई भी रह गया और जेड नहीं रह गया, डिनोमिनेटर में 3 रह गया जस्ट। तो आपको बस ये आंसर आ रहा, आप इस तरह से राइट कर लो, या 2/3 x² y राइट कर लो, कोई इशू नहीं, दोनों तरह सेम ही है, ठीक है, ये भी ठीक है, और ये इस तरह से राइट कर सकते। ये तो हो गया ना कंप्लीट सॉल्व करके मेथड। अब हम डायरेक्ट अगर बात करें डायरेक्ट मेथड की, या आप इसको मेथड को फॉलो कर लो जो भी करवाया, या जो भी हम करने लगे हैं, तो इस मेथड में जो डायरेक्ट है उसमें भी ये तो करना पड़ेगा ना, राइट करना पड़ेगा कि 34x³ y³ z³ आगे ओपन, 51xy² z³ आगे नीचे, कट हो जाएंगे ये 17 से, 17 2 टाइम होता है 34, 17 3 टाइम होता है 51, ये एक्स एक्स से कैंसिल, इधर एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ये वाई क्यूब से कैंसिल, वाई स्क्वायर था ऊपर क्यूब था तो वाई स्क्वायर से कैंसिल, वाई रह जाएगा, जेड क्यूब पूरा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रह क्या गया, ऊपर 2 रह गया, डिनोमिनेटर में जस्ट 3 रह गया, इधर क्या रह गया, ये एक्स से कैंसिल हुआ था, एक्स स्क्वायर रह गया, अभी वापिस वाई स्क्वायर से कैंसिल, इधर वाई क्यूब था तो 1y रह गया, और जेड क्यूब पूरा जेड क्यूब से कैंसिल। तो इस कंडीशन में भी आंसर है, इस कंडीशन में भी यही आंसर है, तो दोनों कंडीशन में आंसर सेम है। तो आप ये मेथड भी फॉलो कर सकते हो, ये भी अब आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है, वो आप कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, या आप इस तरह से सॉल्व करके प्रॉपर कर सकते हो। मैंने और भी वीडियोज बनाई हुई है इस टॉपिक पर, आप चेक कर सकते हो, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कर लेना, वीडियो मिल जाएगी। वीडियोज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक